सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा वार दौरा जारी, आज बस्तर विधानसभा के गांव का दौरा करेंगे। जगदलपुर को बड़ी सौगात देंगे सीएम बघेल। सुबह 11 बजे जगदलपुर में प्रियदर्शनी स्टेडियम का लोकार्पण, कई अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। दोपहर 12:10 से 1:10 तक भैंसगांव में लोगों से मुलाकात होगी। करीब 1:30 बजे बकावंड जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 1:35 से लेकर 2:35 तक बकावंड में भेंट मुलाकात। शाम 5 बजे जगदलपुर के महारानी अस्पताल पहुंचेंगे सीएम। महारानी अस्पताल में बनी बर्न यूनिट का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल में बनी डी एडिक्शन यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे। शाम 6:30 बजे के बाद सामाजिक संगठनों से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। तो करीब 1:30 बजे बकावंड जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल का विधानसभा वार दौरा जारी है। दोपहर 1:35 से लेकर 2:35 तक बकावंड पहुंचेंगे। शाम 5 बजे जगदलपुर के महारानी अस्पताल पहुंचेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के नानगुर ग्राम पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात दी। सीएम ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया। इस मौके पर मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज और विधायक रेखचंद जैन मौजूद रहे। वहीं अपने कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश ने जमीनी नेता होने का भी सबूत दिया। सीएम ने किसान नीलू के घर भोजन किया और नीलू की माताजी को कोसा की साड़ी भेंट की। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार रतनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मां महामाया के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान गृहमंत्री ने मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया, साथ ही मंदिर समिति से मुलाकात भी की। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन ने गृहमंत्री को मां महामाया की तस्वीर भेंट कर शुभकामनाएं दी। मंदिर में दर्शन कर गृहमंत्री का काफिला कोरबा के लिए रवाना हो गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि रतनपुर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के सड़क की स्थिति खराब हो रहे ऐसा नहीं कह सकता। अगर पीडब्ल्यूडी रोड खराब है तो बनवा दें, लेकिन नगरीय निकाय के विरोध में कुछ की अलग बात। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में थोड़ी सी राहत ना चाहिए, राज्य सरकार को क्या केंद्र सरकार ने राहत पहुँचाई है? ऐसी कैसे पूरा टोटल जोड़े मोदी जी की सरकार बनने के बाद जितने बार बढ़ाए उसको जोड़ा, अगर वो 100 रुपये 75 रुपये बढ़ा के एक दिन 7 रुपया कम कर रहे हैं, उसको मैं समझता हूँ कम करना नहीं माना जाना चाहिए।